अगर किसी दूसरी जॉब में भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बाद में ना पछताना पड़े, इसलिए अभी से अगर सुधर जाओगे तो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बेरोजगार नहीं रहना है तो भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैन दोस्तों, एक बात पता है आपको, आप पूरे दिन बहुत सारी वीडियोज़ को देखते हो, उसे लाइक करते हो, उसे शेयर करते हो, लेकिन इनमें से आधी से ज़्यादा वीडियोज़ आपकी ऐसी होती हैं जहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इन्फॉर्मेशन मीन्स कि आपके नॉलेज को जो बढ़ाए, लेकिन फिर भी आप सारा दिन उसको देखते हो। इसके अपोजिट में अगर हम बात करें कि कोई वीडियोस अगर आपके सामने ऐसी आ जाती है कि हाँ, जहाँ से आपको कोई नॉलेज मिले, या हो सकता है कि आपके करियर से रिलेटेड वहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हों जो आपको शायद सीखना चाहिए, तो आप उसको स्किप करके चले जाओगे क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपके काम की चीज़ नहीं है। क्योंकि आप सभी को एक बात जरूर पता होगी, जो करियर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो शायद इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं, क्योंकि शायद आप इस बात को जानते होगे कि जो नीम होता है वो जितना ज़्यादा कड़वा होता है शायद उतना ही ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक वैसे ही होता है, जितनी भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी कि नहीं इस वीडियो में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, शायद वहां से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी वीडियोस आपके सामने ऐसी आती है जहां से आपको कुछ नॉलेज मिले, कुछ ज्ञान मिले, तो उसे भी देख लिया करिए। बस इतना कहना चाह रहा हूं कि फर्जी की जो आप वीडियोस देखते हो, अपना फर्जी का टाइम वेस्ट करते हो शॉर्ट्स वीडियोस को देखने में, इससे बेहतर होगा कुछ ऐसी चीजें देखो। अगर आप मोबाइल पर अपना टाइम स्पेंड करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, तो उसको वेस्ट मत करो, उसको यूज करो, यूटिलाइज करो, शायद वहां से आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपके करियर को कहीं ना कहीं और इंप्रूव करेंगी। आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम को लेकर के, कि क्या हमें करना चाहिए ताकि आपका जो एग्जाम है, आपका जो करियर है, वो एक कदम और आगे हो सके। अगर हम ट्रेंडिंग एग्जाम की बात करें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम की बात करें, आपके आरपीएफ के एसआई और कांस्टेबल की बात करें, एसएससी जीडी की बात करें, तो इन सभी एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हम और क्या करें ताकि हमारा जो एग्जाम है, हमारी जो तैयारी है, वो और ज्यादा बेहतर हो सके। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखो, मैं आप ही की कुछ बातों को लेकर के आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अभी क्या है, जो आपका ट्रेंडिंग एग्जाम है वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम। आप सभी क्या करते हो, सारा दिन मोबाइल पर जुटे रहते हो, सोचते रहते हो कि हमारे एग्जाम के बारे में कोई जानकारी मिल जाए, कोई जानकारी मिल जाए। मुझे एक बात कमेंट करके बताना कि क्या आपके एग्ज़ाम के बारे में भर्ती बोर्ड की तरफ से अगर कोई भी नोटिस आ जाता है, कोई भी जानकारी आ जाती है, वो चाहे ऑफिशियली हो या फिर अनऑफिशियली हो, वो आपके लिए हो या फिर उनके जो विभाग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है एग्ज़ाम को कराने की, क्या प्रोसेस है उसके लिए कोई जानकारी हो, अगर वो किसी भी प्रकार से आप तक पहुँच जाती है, तो मुझे ये बात बताओ, क्या इससे आपके एग्ज़ाम में कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा? क्या आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी? नहीं होगी। तो फिर आप इतने ज़्यादा उत्सुक क्यों रहते हो इस बात को लेकर के कि नहीं भर्ती बोर्ड की तरफ से ये चीज़ आ गई? देखो, अपडेट रहना एक अलग चीज, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपनी पढ़ाई को पीछे करके केवल इस चक्कर में पड़े हो कि हाँ, भर्ती बोर्ड की तरफ से इस भर्ती के बारे में कोई अपडेट मिले। बस समझ लो कि हमारे जान में जान आ गई, अब हमारी जिंदगी बन गई, वरना तो हम मरे जा रहे थे। मैंने देखा है कि जैसे ही कोई नोटिस वायरल होती है, आप सभी लोगों में एक आग लग जाती है। भाई, उस नोटिस में अगर कुछ भी लिखा हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि भर्ती बोर्ड एग्जाम को ऐसे चुपके से तो नहीं करा लेगा बिना आपको बताए कि नहीं भाई, हमने एग्जाम करा लिया। भाई, एग्जाम जब होगा तो श्योर है कि आप सभी लोगों को पता चलेगा। भाई, वो खुद तो एग्जाम अपने आप से दे नहीं देंगे, एग्जाम तो आप ही लोग देने वाले हो, तो आपको बिना बताए एग्जाम कैसे करा लेंगे? तो एग्जाम के बारे में जो भी चीज़ें आती हैं वो श्योर है कि आपको पता जरूर चल जाएगा। अगर आज नहीं पता चला तो कल पता चल जाएगा। लेकिन जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो आपके लिए काम की चीज़ है, आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, अगर पढ़ करके नहीं जाओगे, तो ये जो नोटिस वाली चीज़ें हैं, ये कितना भी आप इसके बारे में समझो, कि आपका एग्ज़ाम वहाँ पर करेक्ट होने वाला भी नहीं है। देखो, मैं कहना बस इतना चाह रहा हूँ कि जब आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसके बाद में बच्चे क्या हुए, मतलब सो गए। अब वो कुंभकर्ण की नींद में सो गए हैं, कुछ बच्चे होंगे, हो सकता है कि वो जाग गए हों, और कुछ अभी भी सो रहे हैं। वो इसलिए सो रहे हैं कि जब हमारे सामने कोई चीज़ आ जाएगी, जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगी और ये भी फिक्स हो जाएगा कि नहीं, अब इस डेट को परीक्षा होगी, उसके बाद ही हम पढ़ने वाले हैं, उसके पहले हम पढ़ने वाले नहीं हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, मैंने इसके पहले भी शायद ये बात बताया है, अगर आप उस सब्जेक्ट के टच से दूर हो गए तो आपकी वो सारी चीज़ें बेकार हो जाए। अगर आपको सच में जॉब चाहिए, अगर आपके घर को, आपको नीड है जॉब की, आप बेरोजगार नहीं रहना चाहते हैं, तो आपको समय मिला हुआ है, इसको यूज करिए। आपके पास इतना कीमती समय है, आप उसको बर्बाद कर दोगे, फिर इसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। इस समय की जो कीमत है वो आपको अभी नहीं पता। मैं आपको बताता हूं, अगर अपनी रियलिटी में आपको बताऊं, हालांकि जॉब लगी है मुझे, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी दूसरी जॉब में भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी का सपना होता है एक जॉब लेना, वो मुझे मिल चुकी है। लेकिन फिर भी अगर मैं कोई दूसरी जॉब के लिए सोचता हूँ कि मैं प्रिपरेशन करूँ फिर से, तो अब इतना टाइम नहीं मिल पाता है जो टाइम पहले मुझे मिलता था घर पे पढ़ने के लिए। अब मैं सोचता हूँ कि घर पे अगर मैं और ज़्यादा बेहतर पढ़ पाता, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कुछ समय बर्बाद किया है, जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो।
तो इसीलिए शायद ये बातें मैं आपको बता पा रहा हूँ कि हाँ, आप लोग अपने उस टाइम को बर्बाद मत करो। आज मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मैंने जो अपना टाइम बर्बाद किया है, अगर उसको मैंने नहीं किया होता तो शायद आज मेरी पढ़ाई और बेहतर हो सकती थी। तो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में मुझे आज थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, टाइम ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो वो तैयारी अगर मैंने और पहले कर लिया होता तो शायद आज मुझे उतनी ज़्यादा मेहनत, उतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको भी समझाना चाह रहा हूँ कि जो टाइम को आप यहाँ पर ख़राब कर रहे हो, ये टाइम दोबारा आपके पास नहीं आएगा। इसको अगर आपने आज यूज नहीं किया, आप कल को बहुत ज्यादा पछताओगे। तो आपका एग्जाम चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, किसी का भी एग्जाम हो, अगर आप अभी एक एस्पिरेंट हो, तैयारी कर रहे हो, तो आप अभी अगर सुसुप्त अवस्था में हो, सोए हुए हो, तो प्लीज जागो। अगर जागे नहीं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और बहुत सारे बच्चे हैं तैयारी करने वाले, तो इस रेस में आप बहुत पीछे हो जाओगे अगर आप सोते ही रह गए तो। अगर आपको आगे निकलना है, जितनी भी वैकेंसी है अगर उनमें से आपको एक सीट चाहिए, आपको वर्दी पहननी है, बेरोजगार नहीं रहना है, तो भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा और सब्जेक्ट के टच में बने रहोगे तभी आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। जिस तरीके से भर्ती बोर्ड के बारे में, भर्ती बोर्ड की तरफ से कौन सी नोटिस आती है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको सारी जानकारी होगी। कैसे जानकारी है आपको पता है? क्योंकि आप उसके टच में हो, जो भी चीज़ें आती हैं आपको सारी चीज़ें पता हैं। दिन में 4 बार आप भर्ती बोर्ड की वेबसाइट को भी झांकते होगे कि हाँ कुछ आया कि नहीं आया। तो सोचो जितनी उत्सुकता से आप भर्ती बोर्ड की हर एक नोटिस पे ध्यान रखते हो, अगर इसी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान रखोगे तो निश्चित है कि आपकी सफलता होगी। आपको फिर नौकरी पाने से कोई रोक ही नहीं सकता है, तो बाद में ना पछताना पड़े, इसलिए अभी से अगर सुधर जाओगे तो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। भाई बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और कुंभकर्ण की जो नींद है, यहाँ से जागो और अपनी तैयारी में जुड़ जाओ, क्योंकि सिलेक्शन लेने का बस यही एक मौका है। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के बेल आइकन को दबा के जाइएगा। जय हिंद।